अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और मैं बना रही थी मसूर की दाल, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके की दाल है और मसूर की। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मसूर की दाल है, मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है। इसमें मैं डालूँगी एक गिलास पानी, और ये मसाले हैं कुटी मिर्च, हल्दी और ये लहसुन। और टमाटर और ये हरी मिर्च, इसको मैं चूल्हे पर रख दूंगी। तो मैंने हल्के चूल्हे पे दाल रखी हुई थी, तो ये देखें अब दाल को ना घोटना है। दाल गल चुकी है, इसको अच्छे से घोटना है। इसको मैंने दाल को घोट दिया है, और इसमें मैंने पानी इसलिए डाला क्योंकि हम चावल के साथ खाएंगे, चावल बनाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा चिकन पाउडर, और इससे चिकन पाउडर से जो ना मसूर की दाल में जायका आता है बहुत अच्छा। तो आप लोग को ट्राई कीजिएगा मसूर की दाल में चिकन पाउडर डाल के, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए जो ना जायका बहुत अच्छा आता है मसूर की दाल में। डालूंगी दाल में नमक। क्या कर रहे हो बेटा आप? बंदर ये बंदर बने हुए हो। फटाफट नीचे आओ, नीचे आओ, पापा गुस्सा करेंगे। क्या हो रहा है ये? तो ये कल धोए थे हमने कपड़े, तो कल सर्दी भी बहुत थी, फिर भी कपड़े धोने पड़े थे। और ये कपड़े मैं अभी देख रही हूँ कौन से कपड़े सूख गए या कौन से नहीं सूखे। तो सर्दियों में कपड़े भी नहीं सूखते इतनी जल्दी, तो मैं कपड़े ना उतार रही हूँ चेक करके। क्या कर रहे हो? अंदोला 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 क्या होता है? मैं क्या पका रही हूँ? देखिए मैं भंगार लगा रही हूँ दाल में। मैंने लहसुन डाला है, और लहसुन के साथ प्याज, प्याज और जीरा भी डाल दिया। देखिए मैंने भंगार लगाया दाल में। ये देखें मेरी सिंपल सी दाल हो चुकी है तैयार। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।